Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद है कि जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे. आज का व्लॉग बहुत ही सडन मैंने बनाया क्योंकि मुझे कुछ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट करनी थी जो कि आई थिंक ज़रूरी है. न्यूज़ में जो लोग फॉलो करते हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं फॉलो करते उनके लिए मैं बता देती हूँ. जो कल लाहौर स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ, प्राइवेट स्कूल है जैसे कि इस्लामाबाद में और क्रॉस द कंट्री बीकन हाउस है, फ्रॉबल्स है, इस तरह के जो अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे स्कूल्स हैं उसी तरह का वो एक स्कूल है. आपको मैं बताऊं कि अच्छी स्कूलिंग का और अच्छी इंस्टीट्यूट का ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे आपको कुछ भी करने की इजाज़त दे दी जाए. और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि फिर जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो वो अपना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं कि जी हमारी सुपरविजन में नहीं था या स्कूल टाइमिंग्स ख़त्म हो चुके थे या टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं थी. मेरा इस पर बहुत स्ट्रांग बिलीव है. मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ जो मेरी रिजर्वेशंस हैं. सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स वो किसी भी क्लास से हों, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या बहुत ही एलीट क्लास है, आप कितने भी बिजी क्यों ना हों, आप सोशल वर्कर हों, आप बिजनेस वुमेन हों, कोई भी हों, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना आपका ताल्लुक हो, अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको रखना भी चाहिए. मेड्स के या हाउस हेल्प के ऊपर आप अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते. यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि आपके बच्चों का पीयर ग्रुप कैसा है, बिकॉज फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो हमारे टाइम पे तो ये कहते होते थे, हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़रा चेक इन बैलेंस रखते होते थे कि हमारी फ्रेंडशिप किससे है, वो फैमिली कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है. या जब हम खेल रहे हैं तो अक्सर मेरी अम्मा कभी फ्रेंच फ्राइज देने के बहाने या कभी हमें जूस सर्व करने के बहाने खुद से आती थी सिर्फ ये देखने के लिए कि हम लोग क्या खेल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक स्मार्ट मूव होता है पेरेंट्स का ये देखने के लिए कि आपके बच्चों के फ्रेंड सर्कल कैसा है. तो मैं यही, आजकल के पेरेंट्स थोड़े से बिजी हो गए हैं सोशल मीडिया लाइफ पे, या वो एक बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं कि जी अपने बच्चों को उन्होंने मोबाइल्स दे दिए, टैब्स दे दिए और वो फिर उस पर जो मर्जी करें, आपने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखना. मेरी अपनी क्लोज सर्कल फ्रेंड्स में बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्टली अपने बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, उनकी एक्टिविटीज पे, उनकी फ्रेंड सर्कल पे, उनकी क्या बात होती है उस पे. हमारे यहाँ ये कहते हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से हम लोगों को किया कि आप एक सर्टेन एज तक बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लाइक 7, 8, 9, आफ्टर दैट यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स विद देम ताकि वो अपनी कोई भी बात आपसे शेयर करते हुए रिजिस्ट ना करें. ठीक है, वो आप में वो इतना कॉन्फिडेंस शो करें कि वो आपसे अपनी हर बात शेयर कर सकें. ठीक है, ये जो इंसिडेंट हुआ ये बिल्कुल कम्प्लीटली एक पेरेंट्स की तरफ से नेग्लिजेंस है, उनकी तरफ से एक फ्री हैंड है. एंड मैं ये बात जानती हूं कि अगर आपके हमारे किसी भी नीस नेफ्यू या हमारे किसी बच्चे को इस तरह से मारा जाता तो क्या हम लोग वॉइस रेस ना करते, क्या हम लोग आवाज ना उठाते? हमारे यहाँ जो अभी इस वक्त चल रहा है, हम लोगों का एक बहुत इजी और बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से होता है कि हमारा जहां दिल करता है या जहां हम पे बात आती है तो हम लोग आवाज रेज कर देते हैं कि ओ जी बहुत गलत हो रहा है. जहां किसी दूसरे की बात होती है तो हम लोग बिल्कुल चुप कर जाते हैं. दिस इज नॉट फेयर. ठीक है, हम लोग जब राइट टाइम होता है, जब राइट एक चीज है, हम उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाते? हमें उस वक्त उस इशू को रेज करना चाहिए और उसके लिए जस्टिस डिमांड करनी चाहिए ताकि वो एक लेसन बन जाए दूसरे बच्चों के लिए. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जब ये अभी एक इंसिडेंट हुआ था एहसन इकबाल के साथ, वो जो मैकडॉनल्ड्स पे, उसके बाद वो जो बच्चे थे वो खुद नहीं आए, उनके पेरेंट्स ने आके अपने बच्चों के बिहाफ पे उससे सॉरी कर दिया. नो, दैट वाज अ रॉन्ग मूव. मैं होती, मैं कभी एक्सेप्ट ना करती. मैं उनको कहती कि ब्रिंग योर किड्स अलॉन्ग विद यू. ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने या बच्चों के कॉन्फिडेंस को शैटर करने के लिए नहीं है. प्लीज ये बात आप ध्यान में रखिए कि मैं क्यों कह रही हूं. इसलिए बिकॉज अगर वो आते, वो अपोलॉजी करते, उनको पता चलता कि हमने गलत किया, हमने इस बंदे को जिसको हम अब्यूज कर रहे थे, हम उसको अपोलॉजी कर रहे हैं, उसको हम सॉरी कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करनी. उन्होंने अपोलॉजी नहीं की, उन्होंने सॉरी नहीं किया, पता नहीं उन्होंने फील भी किया सॉरी के नहीं, उनके पेरेंट्स ने आके कर दिया.
क्या गारंटी है इस बात की कि वो बच्चे आगे कल को चल के किसी और बड़े को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे? हमारी कंट्री में इस वक्त ये जो पोलराइजेशन हो रही है ना, कि हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के, हम किस पार्टी के, नो, सबसे पहले आप लोग ह्यूमन बींग्स हैं, सबसे पहले आप लोग पेरेंट्स हैं। प्लीज इस चीज को समझें, पेरेंटिंग टिप्स लें, गाइडेंस लें, अपने बच्चों को बताएं उन्होंने किस चीज पे कहां कितना इन्वॉल्व होना है। किसी के बारे में भी नेम कॉल करते हुए, स्टिल अगर वो आपसे एज में बड़ा है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है। हम लोगों ने हर चीज को इतना कैजुअल कर दिया कि जी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है जी हमारे बच्चे जो कर रहे हैं करें, हम उसके बिहाफ पे जाके सॉरी कर देंगे। क्यों? आज मैंने जब देखा ये, जब एक चीज उठाई गई, जब कोर्ट तक गई, कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया। क्यों दे दिया? दोज गर्ल्स, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, इस एज में उन्होंने गलत किया, दे नीड टू गेट पनिश्ड। और मैं देख रही हूं कल से सोशल मीडिया पे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स या जो दूसरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत इस चीज को रेज किया, किसी भी सेलिब्रिटी ने इस चीज पे आवाज नहीं उठाई, नन ऑफ देम। ठीक है, एक और एक्स वाई जी सेलिब्रिटी अगर अपने घर में उसके ऊपर इल्जाम लगा कि जी उसने अपनी बीवी को मारा या पीटा या जो भी किया, सब उठ के आ गए, ओ बहुत गलत किया, ही इज एन अब्यूजर। एक लड़की अब्यूज हो रही है, वीडियो में है, तीन चार लड़कियां गैंग बना के उसको मार रही हैं, अब आप लोग कहां पे हैं? एज अ सेलिब्रिटी, एज अ नोन फेसेस, इट्स योर सोशल एंड मॉरल ड्यूटी कि आप आवाज रेज करें, ताकि जो एक प्रेशर होता है किसी भी चीज को जस्टिस दिलवाने के लिए, वो जस्टिस सर्व हो सके। आप लोग बिल्कुल चुप हैं, कोई आवाज रेज नहीं कर। कोर्ट्स ने अपना देख लिया, अगर आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है, आप कोई भी रिलीफ ले सकते हैं, आप किसी का कत्ल करके भी आप फ्री फिर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको तो सेटिस्फेक्शन हो कि आपने गलत को गलत और सही को सही कहा। फॉर मी दिस वॉज अ वेरी बैड एक्ट, बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूं। और मैं अगर इस चीज के लिए इनको पनिश नहीं किया गया, तो मैं स्टिल फिर भी इस चीज को कंडेम करती रहूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। एटलीस्ट मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा, मुझे रात को सुकून की नींद आएगी कि मैंने गलत को गलत कहा है। आई नो लीगली हो सकता है वो बच्चियां अंडर एज हों, उनको कोई उस तरह से पनिश नहीं किया जा सकता, बट स्टिल देयर मस्ट बी समथिंग सो दैट दे कैन रियलाइज दे जस्ट कांट वॉक फ्रीली। आपके हमारे में से किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, आप मुझे बताएं एज अ पेरेंट या एज अ आंट या एज अंकल आप लोगों के ऊपर क्या गुजरती। सो प्लीज जब टाइम होता है आप लोग तब आवाज उठाया करें, तब आप लोग बोला करें, तब आप लोग बोलते नहीं है। आप लोग आम है, एक कॉमन मैन है, कॉमन पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी है, प्लीज टाइम पे आवाज उठाएं, गलत को गलत कहना सीखें, सो दैट जस्टिस कैन बी सर्व। जिन सोसाइटीज में, जिन कंट्रीज में जस्टिस सर्व नहीं होता, वहां पे ऐसे ही हालात होते हैं। एंड दिस इज अबाउट आर कमिंग जनरेशन, वी हैव टू सेव आर कमिंग जनरेशन। हमें उनको बताना है कि गलत क्या है, सही क्या है, सिविलाइज सोसाइटीज कैसी होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, बट जो भी है प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखा कीजिए, प्लीज आवाज उठाया कीजिए। आई होप एंड आई प्रे के जो भी सही है, जो भी जस्टिस है, वो सर्व हो। दोज गर्ल्स, उन्होंने कल को एक लाइफ गुजारनी है, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है। वॉयलेंस नहीं होनी चाहिए प्लीज, और उनको सजा मिलनी चाहिए, दे शुड गेट पनिश्ड, वो किसी भी तरह की हो। स्कूल से एक्सपेल तो हो गए होंगे, स्कूल वाला तो अपना क्लीन चिट कर लेंगे कि जी हमें पता नहीं था और अब हम इन लड़कियों को स्कूल से निकाल रहे हैं, एंड बस खत्म, उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। नो, वो किसी और स्कूल चली जाएंगी, या उनके पेरेंट्स अगर इतने पावर, इतने पोजिशन में होंगे, उनको बाहर पढ़ने भेज देंगे। बट वेयर इज द लेसन, उन्हें कैसे लेसन बताया जाएगा कि उन्होंने किया जो गलत किया? एक अपोलॉजी इस चीज का कोई हल नहीं है, बिकॉज आई नो सॉरी कहना दे वोंट मीन दैट सॉरी। सो प्लीज आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सही टाइम पे आवाज उठाया कीजिए। आप लोग अपने बेनिफिट के लिए बहुत अपने सोशल मीडिया स्टेटस लगा देते हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हम उसको सपोर्ट करें, हम उसको सपोर्ट करें, इसके लिए कहां बोलेंगे। आपको जो भी हो, प्लीज मेरी इस वीडियो को कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। और आई जस्ट होप एंड प्रे कि सबके बच्चे सेफ रहें, खैरियत से रहें। और वन मोर रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, प्लीज अपने बच्चों पे, उनके फ्रेंड सर्कल पे, उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखें, सो दैट आपको कुछ भी ऐसा फेस ना करना पड़े।
आई होप एंड प्रे कि हम सब लोग खैरियत से रहें, ठीक रहें, और बस जी उम्मीद है कि जस्टिस जल्द ही प्रिवेल हो, और आप सब लोगों से मिलती हूँ जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।